हे लर्नर्स वेलकम टू माय चैनल क्रिएटर्स एंड लर्नर्स मेरे इस चैनल पे आपको एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगे आपके एकेडमिक सब्जेक्ट्स के अबैकस के वैदिक मैथ्स के एंड जापनीज लैंग्वेज के वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़ हे लर्नर्स वेलकम बैक टू माई चैनल दिस इज आस्था शर्मा एंड यू आर वॉचिंग बी इंग्लिश ऑनर्स प्ले लिस्ट डी एस सी फोर फोर्टीन एंड सेवनटीन सेंचुरी पोएट्रीज़ आज हम लोग यूनिट टू का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे ये है पार्ट वन जिसमें हम द सन राइजिंग पोएम को कवर करेंगे जो है जॉन डन की अब हम चलते हैं इसके स्टैंड की समरी पे इसके तीन स्टैंडजाज हैं और यहाँ पर जो हमारे जॉन डनर हैं वो लव पोएट्रीज बनाते हैं तो यहाँ पर ये अपना लव एक्सप्रेस करते हैं अपनी बिलव के लिए उनको उनके बारे में डिस्क्राइब करते हैं इस फॉर्म में और यहाँ पे सन का डिस्क्रिप्शन भी वो देते हैं तो चलिए इस पोएम को देखते हैं ये समरी मैंने इसमें डाली है मैंने पोएम नहीं लिखी मैंने डायरेक्ट समरी लिखी है दोनों तो स्टैंडास की आई होप आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा और इसको पढ़े होके तो आपको फिर लाइन बाई लाइन पोएम भी कवर हो जाएगी एकदम सही से ओके तो यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे सन की स्पेलिंग गलत है है ना एस यू एन सन होता है पर यहाँ पर सन की स्पेलिंग है एस यू डबल एन ई तो पहले जब ये पोएम लिखी गई थी तो उस टाइम पे आ, सन की स्पेलिंग यही लिखी जाती थी ओके स्टैंजा वन में स्टैंजा वन में वो सन को बहुत भरा बुरा कहते हैं वो कहते हैं यू बिज़ी ओल्ड फूल तुम हमेशा आ जाते हो खिड़की से अंदर कर्टन्स में से निकल के बाहर आ जाते हो और हमें जगा देते हो हमें इरिटेट करते हो मैं अपने अपनी बिलव के साथ होता हूँ और तुम हमें आकर इरिटेट कर देते हो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी, भी तुम ऐसा क्यों करते हो क्या मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग चलूँ क्या हमें तुम्हारे अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा तो वो ऐसा उनको बहुत गु़स्से से, से डांट फटकार करके उनको सन को ऐसा बोलते हैं वो सन को एज अ ह्यूमन फिगर डांट रहे होते हैं है ना कि सन तुमने ये बहुत गलत किया मैं अपने बिलव के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ अपने बिलव के साथ बेड पे हूँ और तुम मेरे को आकर डिस्टर्ब कर रहे हो मेरी बिलव को आकर डिस्टर्ब कर रहे हो तो ये चीज़ कह के वो बहुत भला बुरा कहते हैं वो कहते हैं कि तुम जाकर स्टूडेंट्स को जो बॉयज़ स्कूल के लेट हो रहे हैं उनको बॉडर करो जाके जो फार्मर्स अपनी क्रॉप की हार्वेस्टिंग के लिए नहीं जा रहे उनको बॉडर करो जो हंट मैंस हैं तो वो उनको बॉजर करो जाके कि जो उनके किंग है उनके राइड का टाइम हो गया है उनकी हंटिंग का टाइम हो गया है तो वो इरिटेट पीपल्स को जाके बॉर्डर करो ना हमें क्यों परेशान कर रहे हो हमारी नींद क्यों खराब कर रहे हो हमें क्यों जगाया तुमने तो ऐसा वो कहते हैं लास्ट अपने दो तो लाइंस में जो पोएम की दो लास्ट लाइन है तो वो कहते हैं प्यार जो होता है जो लव है वो कभी चेंज नहीं होता प्यार को ना सीजन का पता ना क्लाइमेट का पता ना समय का पता ना घंटे मिनट महीने ना उस चीज़ों का पता वो इन चीज़ों को नहीं जानता ठीक है प्यार कभी चेंज नहीं होता तो वो इस चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं वो ये इनकी दो लास्ट लाइन होती है स्टैंडा की फर्स्ट स्टैंडा कंप्लीट सेकंड स्टैंडा में वो कहते हैं कि क्या लगता है तुम्हें तुम्हारी किरणें ही ग्रेट और स्ट्रॉन्ग हैं तुम्हें अपनी किरणों पर इतना विश्वास है मैं चाहूँ तो तुम पर ग्रहण लगा सकता हूँ मैं चाहूँ तो मैं तुम्हारे सामने क्लाउड ला सकता हूँ अब तुम ऐसा करते हो हमारे साथ लेकिन मैं अपनी बिलव से अपनी बिलव की मतलब मैं अपने बिलव के पास हूँ मैं अपनी लवर के पास हूँ मैं उसकी तरफ से अपनी नज़रें नहीं हटा सकता इसलिए मैं ये सब नहीं कर रहा हूँ ठीक है मैं अपनी बिलव के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ मैं उसकी आंखों से दूर नहीं होना चाहता ठीक है मैं उससे दूर नहीं होना चाहता इसलिए मैं ये चीज़ें नहीं कर रहा हूँ वरना मैं तुम्हारे पे ग्रहण लगा सकता हूँ और तुम पे बादल ला सकता हूँ मेरी बिलव की आंखों में ही इतनी शाइन है कि उसके सामने तुम्हारी शाइन कुछ नहीं तुम ब्लाइंड हो जाओगे उसकी आँखों की शाइन से वो ऐसा कहते हैं उनकी लवर जो है उसमें पूरी दुनिया बसती है वो इस चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं कि हर वो चीज़ जो दुनिया में है वो उनकी बिलव में समाई हुई है वो अपने बिलव को ही अपनी पूरी दुनिया मानते हैं वो कहते हैं पूरी दुनिया उनमें है ठीक वो इस स्टैंडजा में यहाँ तक वो इस चीज़ को कंप्लीट करते हैं वो हर एक चीज़ बोलते हैं कि ये जो कंट्रीज़ हैं इन कंट्रीज़ में जो जो मिलता है वो सारा मेरे बिलव के अंदर है ठीक अब यहाँ पर स्टैंडजा थर्ड है इसमें वो कहते हैं कि वो अगर सारी स्टेट्स है तो उन सभी स्टेट्स के प्रिंस जो हैं वो सिर्फ मैं ही हूँ ठीक मतलब मेरी बिलव सब कुछ है और मैं ही उसका एक प्रिंस हूँ बाकी सारे प्रिंस जो है ना वो मेरी इस चीज़ की मिमिक्री करते हैं ठीक और उन अपनी वेल्थ बनाते हैं अपनी फेक वेल्थ बनाते हैं उससे तो वो उस चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं अब है कि वो कहते हैं कि जो पूरा वर्ल्ड है वो हम में कॉन्ट्रैक्टेड है हम में एग्जिस्ट करता है हम में ही सिकुड़ा हुआ है पूरा दुन, पूरी दुनिया यहाँ पर वो कहते हैं अब वो उनको सन पे थोड़ी दया आती है तो वो सन को बड़े प्यार से कहते हैं कि अब तुम्हारी एज हो चली है ठीक है अब तुम्हारी एज इतनी हो च हो चुकी है तुम्हें चाहिए रेस्ट लेकिन तुम्हारी भी कुछ ड्यूटीज़ हैं तुम्हें इस पूरे अर्थ को वॉम रखना होता है तुम्हें हमें वॉम रखना होता है ठीक है तो तुम्हारी ये कुछ ड्यूटीज़ हैं जो तुम्हें करनी ही करनी है तो तुम एक काम क्यों नहीं करते तुम हम पे शाइन करो क्योंकि हम में ही तो पूरी दुनिया है मेरे और मेरे बिलव में ही तो पूरी दुनिया है तो तुम हम पे शाइन करो जब सब कुछ हम में है तो तुम हम पे ही शाइन करो तो हमारा जो बेड है मतलब जो उनकी बिलव और उनका जो बेड है वो तुम्हारा सेंटर है और जो वॉल्स हैं कमरे की वो तुम्हारा स्पेयर है वो तुम्हारा एरिया है दायरा है ठीक तो ऐसा कह के यहाँ पे पूरा स्टेंडा कंप्लीट होता है थर्ड स्टैंडजा तो ये पूरी पोयम थी जिसमें वो सन को डिस्क्राइब करते हैं एज ए ह्यूमन फिगर उससे बोलते हैं कि उनको डांट फटकारते हैं उसको बहुत बुरा भला बोलते हैं कि तुम ऐसा क्यों करते हो मेरी और मेरे बिलव के क्वालिटी टाइम को तुम बर्बाद कर देते हो हमें इरिटेट करते हो और फिर वो बाद में कहते हैं कि जब हम में ही पूरी दुनिया है तो तुम हम पे ही शाइन करो ठीक हम पे ही शाइन करो और अब तुम हम पे शाइन करोगे तो मतलब तुम पूरी दुनिया को दिखोगे तुम हम पे शाइन करोगे तो तुम पूरी दुनिया को दिखोगे तो ये थी पूरी पोएम द सन राइजिंग आई होप आपको एक्सप्लेनेशन क्लियर हुई होगी आप लोग स्क्रीन ले लीजिए ओके okay. तो आप लोगों ने स्क्रीन ले लिया होगा आई होप आई होप यू ऑल लाइक दिस एक्सप्लेनेशन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ब बाय माई लर्नर्स